चिराग टूट गए अब क्या करेंगे, मोदी से पंगा लेना चिराग को पड़ा भारी, बीजेपी से संपर्क में चिराग के 3 सांसद, पीएम मोदी से कर चुके मुलाकात, आरजेडी नेता ने किया बड़ा दावा। बिहार में इस समय राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, चिराग पासवान के कदम दूसरी तरफ बढ़ने लगे और बीजेपी ने भी उनके कदम को भांप लिया और अपना दाव चलना शुरू कर दिया। चिराग ने बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक कदम क्या उठाया, बीजेपी ने चिराग को पूरा नाप दिया। अब नया दावा किया जा रहा है कि चिराग के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। ये दावा किया है आरजेडी नेता मुकेश रोशन ने। ये दावा किया है कि बीजेपी अब चिराग के सांसदों को तोड़ रही है क्योंकि चिराग ने उन्हें धोखा दिया है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने आगे कहा, बीजेपी का तो काम ही यही है, पार्टियों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना, विधायकों को तोड़कर अपना नेता बनाना, अपनी पार्टी बनाना, अपनी सत्ता चलाना। और बिहार में तो बीजेपी ने कई खेल खेले हैं। पहले बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को तोड़ा, फिर नीतीश कुमार को तोड़ने का प्रयास किया और अब चिराग के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका इतिहास ये रहा है कि चिराग इनसे आगे क्या चले गए, चिराग ने अपने मन की बात खुलकर क्या रख दी, अब ये चिराग पासवान को भी तोड़ने चले हैं। आरजेडी विधायक ने कहा, चिराग पासवान के पास अभी भी समय है, उन्हें बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए और तेजस्वी यादव के साथ आना चाहिए। अगर चिराग पासवान बिहार की बात करते हैं तो, बिहार के विकास पर बोलते हैं तो उनके और तेजस्वी के विचार मिलते हैं, यादव का साथ देना चाहिए। मुकेश रोशन ने आगे कहा, अगर चिराग और तेजस्वी यादव साथ आए तो दोनों को कोई हरा नहीं पाएगा। चिराग के बदले सुर। चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टी के सुर में अपने सुर मिलाना शुरू कर दिए। चिराग पासवान ने कहा, मैं कब से ही जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनज़र रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता ज़रूर हूँ, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। इससे एक बात तो साफ है, चिराग पासवान के बगावती सुर उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं और बीजेपी भी उन्हें बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार ये बोल रहे हैं कि वो स्वतंत्र चुनाव लड़ सकते हैं। झारखंड में भी चिराग पासवान स्वतंत्र चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं और साथ ही साथ जातिगत जनगणना की भी चिराग पासवान बात कर चुके हैं। ऐसे में क्या एनडीए गठबंधन टूटेगा, क्या मोदी के हनुमान उनसे अलग होंगे, क्या चिराग पासवान को बगावती सुर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अमित शाह ने भी एक नया खेल खेल दिया है।